यार आपसे गर्लफ्रेंड सेट हो या ना हो, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं इस प्यारे से दिखने वाले क्यूबिकल कलर चेंजिंग डिजिटल अलार्म क्लॉक में अलार्म कैसे सेट करना है वो तो मैं आपको सिखा ही दूंगा। सो आज से एक साल पहले इस क्लॉक की अनबॉक्सिंग एंड सेटअप गाइड को लेकर वीडियो आई थी और उस वीडियो में लोगों ने सबसे ज्यादा यही पूछा कि भाई अलार्म कैसे सेट करना है या फिर अलार्म को कैसे परमानेंट बंद करें। आज के इस वीडियो में आप दोनों ही चीजें सीखने वाले हैं। अगर आपको इसकी अनबॉक्सिंग और डेट टाइम कैसे सेटअप करते है उसकी वीडियो देखनी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, इस वीडियो को देखने के बाद वो वाली वीडियो भी जरूर जाकर देख सकते हैं। वैसे क्या आप बता सकते हैं कि घड़ी की दुकान पर जो एनालॉग घड़ियां टंगी होती हैं जिसमें सेल नहीं होती उसकी टाइमिंग 10:10 सेट क्यों रखा जाता है? अगर पता है तो कमेंट बिलो एंड नहीं पता तो वीडियो को लास्ट तक देखो, आई विल आंसर इट लेटर। वीडियो की शुरुआत हो चुकी है, मैं चाहूंगा कि जितने भी मिनट की वीडियो है प्लीज बी कंसंट्रेट। तो इस क्लॉक में हम जितने भी सेटिंग करने वाले हैं वो नीचे के इन चार बटनों के थ्रू होते हैं। आपके पहचान के लिए मैंने इसे डिफरेंट कलर्स में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट बटन जो कि ग्रीन कलर में है ये अप बटन है, देन सेकंड बटन जो कि येलो कलर में है ये डाउन बटन है, थर्ड है रेड कलर बटन, इसे सेट बटन कहते हैं। यहीं से हम सेटिंग में एंटर करते हैं। वैसे रेड बटन एक और जगह भी होता है तो वो भी आप जल्दी से प्रेस कर दो। एंड लास्ट बटन ब्लू कलर में है, ये अलार्म का बटन है। बिफोर अलार्म सेटिंग आपको दो चीजें समझनी है, फर्स्ट मोड एंड सेकेंड टाइम फॉर्मेट या फिर कहें क्लॉक टाइप। देखो भाई अभी ये क्लॉक को ध्यान से देखो, इसमें टाइम बता रहा है और ये आवर्स और मिनट के बीच का जो ये कॉलन है ये ब्लिंक हो रहा है। इसका मतलब है कि ये अभी क्लॉक डिस्प्ले मोड में है, मींस अभी ये टाइम को डिस्प्ले कर रहा है। लेकिन जैसे ही मैं ये रेड वाला बटन प्रेस करता हूँ तो अब ये ब्लिंक ऑफ होके ये आवर्स वाला ब्लिंक होने लगता है, जहां से हम डेट और टाइम सेट कर सकते हैं। उसी तरह अगर ये क्लॉक डिस्प्ले मोड में है और मैं फोर्थ नंबर के ब्लू बटन जो कि अलार्म का है इसे दबाता हूं तो यहां अलार्म का टाइम सो हो रहा है और ब्लिंक नहीं हो रहा है, मींस यहां से आगे हम अलार्म सेट कर सकते हैं। अब सेकेंड चीज जो कि है टाइम फॉर्मेट या फिर कहे क्लॉक टाइप। देखो भाई आप सभी को पता है क्लॉक टाइप दो तरह के होते हैं, 12 आवर क्लॉक टाइप और 24 आवर क्लॉक टाइप, जिसे हम जनरली रेलवे टाइम भी कहते हैं। अगर मुझे शाम को 6 बजे को सो करना है तो मैं इसे दो तरीके से सो कर सकता हूँ। फर्स्ट 6:00 PM ये 12 आवर क्लॉक टाइप है, इसमें रात के 12 बजे से सुबह के 11:59 तक AM होता है और देन दोपहर के 12 बजे से लेकर रात के 11:59 तक PM होता है। एंड जो सेकेंड तरीका है जिससे मैं इसे सो कर सकता हूँ वो है 18:00, इसका मतलब भी शाम के 6 बजे है। ये जो क्लॉक टाइप है इसे 24 आवर क्लॉक टाइप कहते हैं। और इस डिजिटल क्लॉक को आप दोनों में से कोई भी क्लॉक टाइप में सेट कर सकते हो। इसे सेट करने के लिए आपको इस घड़ी को क्लॉक डिस्प्ले मोड में रखना है एंड अभी यहाँ पर 6 PM दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पर अप बटन यानी ग्रीन बटन को एक बार प्रेस करूँ तो ये 18:00 हो गया, मींस अब ये 24 आवर्स क्लॉक टाइप में चला गया। सो पहले आप ये डिसाइड कर लो कि आपको किस क्लॉक टाइप में अपने घड़ी को रखनी है, क्योंकि आगे की सेटिंग उसी के हिसाब से होगी। तो यहाँ पर मैंने क्लॉक टाइप 12 आवर रखा है, आपको 6:01 सो हो रहा होगा, अभी ये क्लॉक डिस्प्ले मोड में है। अब मैं यहाँ पर ये ब्लू बटन मींस अलार्म वाले बटन को प्रेस कर देता हूँ तो यहाँ अलार्म का टाइम डिस्प्ले हो जाएगा। इसके बाद अलार्म में टाइम सेट करने के लिए आपको एक बार थर्ड नंबर का रेड बटन जो कि सेट बटन है वो प्रेस करना है। इसके बाद अप या डाउन बटन प्रेस करके टाइम चेंज कर सकते हैं। अभी आपको PM एंड AM, आप AM में देख सकते हैं कि अभी आपको AM में कुछ नहीं दिखाएगा, लेकिन जैसे ही PM होगा आपको यहाँ पर PM डिस्प्ले हो जाएगा, टाइम दिखा रहा होगा। अगर आप इसे 24 आवर क्लॉक टाइप में रखते और अगेन अलार्म बटन प्रेस करके सेट बटन को दबाकर अप या डाउन बटन प्रेस करते तो आपको टाइम कुछ इस तरीके से शो होता। फिलहाल मैं अभी 12 आवर्स क्लॉक टाइप में हूं। तो अब मैं अलार्म का टाइम 6:15 में सेट कर लेता हूं। तो इसके लिए पहले अप या डाउन बटन प्रेस करके आवर्स सेट करेंगे, देन उसके बाद फिर सेट बटन प्रेस करना है, जिससे आप मिनट को अप या डाउन बटन प्रेस करके सेट कर सकते हैं।
अगर वीडियो स्किप कर रहे हो तो मत करना, क्योंकि अभी तक अलार्म केवल सेट करना बता रहा हूँ, उसे ऑन कैसे करना है वो आगे बताऊंगा। अब फिर से सेट बटन प्रेस करेंगे तो स्नूज का ऑप्शन आ जाएगा। स्नूज आपके फोन में भी होता है, जहां पे जितना आपका स्नूज टाइम है लाइक 10 मिनट, तो अलार्म बजने के बाद अगर आप स्नूज कर देते हैं तो आपका अलार्म 10 मिनट के लिए टेम्परेली ऑफ हो जाएगा, देन 10 मिनट के बाद फिर से अलार्म बजेगा। तो अगेन यहाँ पे अप या डाउन बटन प्रेस करके स्नूज टाइम भी सेट कर सकते हैं। ये आपको मिनट में शो हो रहा है, मैं यहाँ पर 2 मिनट सेट कर लेता हूँ। इसके बाद आपको फिर से सेट बटन प्रेस करना है तो आपको अलार्म टोन सेट करने का आ जाएगा। आपको फिर से अप और डाउन बटन प्रेस करके अलार्म टोन सेट कर लेना है। इसके बाद हम सेट का बटन प्रेस कर देंगे। जैसे ही हम सेट का बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पे जो हमने अलार्म सेट किया है ये यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा, लेकिन हमारा अलार्म अभी ऑन नहीं हुआ है। इसे ऑन करने के लिए आपको अप बटन जो है या डाउन बटन उसे प्रेस करना है। तो अगर मैं यहाँ पर अप का बटन प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक छोटा सा घंटी का सिंबल आ जाएगा। अब हमारा अलार्म यहाँ पर सेट हो चुका है। अगर मैं अप या डाउन बटन फिर से प्रेस करूँ तो यहाँ पर स्नूज भी हमारा एक्टिव हो चुका है। अगर मैं फिर से अप बटन प्रेस कर दूँ तो ये हमारा अलार्म परमानेंटली यहाँ पर ऑफ हो जाएगा। अब इसके बाद मैं अलार्म सेट कर देता हूं, यहां पर आप देख सकते हैं, और स्नूज भी ऑन कर देता हूं, और उसके बाद मैं यहां पे फिर से अलार्म वाला बटन दबा देता हूं। सो यहां पर आप देख सकते हैं कि अब ये क्लॉक डिस्प्ले मोड में आ गया है, जहां पर कोलन आपको ब्लिंक करते हुए दिखेगा। अगर आप चाहते हैं कि अपना जो ये अलार्म है उसे परमानेंटली ऑफ करें, तो उसके लिए आपको करना बस यही होता है कि आपको 4th नंबर का जो बटन है अलार्म, उसमें जाएंगे तो आपने जो अलार्म सेट करके रखा हुआ है वो आपको डिस्प्ले करेगा। इसके बाद आप अप या डाउन बटन प्रेस कर दीजिए, सो यहां से आपका अलार्म बंद हो जाएगा। यहां पे डिस्प्ले बंद हो गया, मतलब आपका अलार्म परमानेंटली ऑफ हो जाएगा। फिलहाल के लिए हम यहां पर अलार्म और स्नूज दोनों को ऑन कर लेते हैं, और एग्जिट करने के लिए मैं फिर से यहां पे अलार्म बटन दबा दूंगा। अब वापस से ये क्लॉक डिस्प्ले मोड में आ गया, आप देख सकते हैं यहां पे ये कोलन ब्लिंक हो रहा है। तो अभी आप देख सकते हैं कि जैसे ही 6:15 PM हुआ, यहाँ पर अलार्म बज उठा, और आप देख सकते हैं कि जो अलार्म का सिंबल है और स्नूज का सिंबल दोनों साथ में ब्लिंक कर रहे हैं। तो अभी मुझे अलार्म को बंद करना है, तो मैं यहाँ पे कोई भी एक बटन प्रेस कर दूंगा। तो चलिए मैं अप बटन यहाँ पर प्रेस कर देता हूँ, ये अप वाला बटन यहाँ से मैं प्रेस कर दूंगा। सो अभी आप एक चीज नोटिस करेंगे कि अलार्म तो बंद हो गया, यहाँ पर अलार्म का सिंबल तो ब्लिंक होना बंद हो गया, लेकिन जो स्नूज है वो आप देखिए वो अभी भी ब्लिंक कर रहा है। इसका मतलब आपका अलार्म अभी टेम्परेरी ऑफ हुआ है 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के बाद फिर से आपका जो अलार्म है वो बजेगा। और मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा बटन आपको प्रेस करना है ताकि स्नूज वाला भी ब्लिंक करना ऑफ कर दे, और जब दूसरे दिन हो तब आपका जो है वापस से वो अलार्म बजे। तो देखिए उसके लिए कौन सा बटन प्रेस करना है, उसके लिए हम 2 मिनट यहाँ पे वेट करेंगे, और उसके बाद जैसे ही अलार्म बजेगा आपको कौन सा बटन प्रेस करना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 मिनट कंप्लीट हो गए और स्नूज वाला यहाँ पर बज गया। अब आपको अलार्म भी ऑफ करना है, और आप ये चाहते हो कि स्नूज मतलब कि बार बार अलार्म 2-2 मिनट के बाद ना बजे, या आपने जितना स्नूज टाइम सेट किया उसके बाद ना बजे, तो उसके लिए आपको इस अलार्म में जो सेट का बटन है, जो रेड वाला बटन है, उसको यहाँ पर दबा देना है, रेड कलर वाला बटन को। तो हम इसको दबा देंगे। तो अब आप लोग यहाँ पर नोटिस करेंगे कि कोलन ब्लिंक हो रहा है, बट अब ये अलार्म ऑफ हो चुका है। अब ये अगले दिन के जो है शाम के 6:15 जो है वो बजेगा। यहाँ पर जो सिंबल है अलार्म का और स्नूज का, वो दोनों रुक गया है। इसका मतलब जब भी आप अलार्म बजे तो आपको दोनों अगर ऑफ करना है तो आपको सेट का बटन यहाँ से दबाना है। इसी के साथ आपको बोनस टिप्स एक देना चाहूंगा। यहाँ पर आप टेम्परेचर देख रहे होंगे जो कि आपको डिग्री सेल्सियस में दिखा रहा है। अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो आपको सिंपली जो क्लॉक डिस्प्ले मोड है इसमें आपको इसको रखना है, और रखने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे जो येलो वाला डाउन बटन है इसको एक बार प्रेस कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो
टेम्परेचर है वो डिग्री फ़ारेनहाइट में शो हो रहा है। वापस से अगर आप इसके डिग्री सेल्सियस में करना चाहते हैं तो आप कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। सो ये है बोनस टिप्स। अब आपको याद होगा कि वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर ये राइट वाला वीडियो के पिन कमेंट में है, जाकर देख लो।